हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टेक एंड फाइनेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए फोर स्टॉक्स। प्रीवियस डे मैंने वीडियो नहीं बना पाया, लास्ट थ्री डे हॉलीडे था, मैं थोड़ा बाहर था, तो गाइस मैंने वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया मंडे। ज्यादातर मंडे को मैंने वीडियो पब्लिश नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस चलिए आज हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे, स्टॉक्स को फाइंड आउट करके रखेंगे कल की ट्रेडिंग के लिए। उससे पहले गाइस, आप अगर टुडे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस नहीं देखे तो सिंपल आप देख सकते हो। और हमारे जो प्राइम टेलीग्राम में गाइस लाइव मार्केट में जितने सारे स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट हुए थे गाइस, यहाँ पे येस बैंक का मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अपडेट किया था। यहाँ पे 3.2 पॉइंट मूवमेंट दिखाने के बाद आके स्टॉप लॉस हिट किए थे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे इंडिगो भी ऐसे लीड हुआ था। और गाइस फाइनली मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस भी दिए थे, ये भी अच्छा नहीं गया। तो गाइस तीनों कॉल्स जो था लाइव मार्केट में वो अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कनाडा बैंक यहाँ पे लाइव मार्केट वॉच लिस्ट के जो कॉल मैंने दिए थे, स्कॉट PNB एंड कैनरा बैंक, ये जो तीन स्टॉक्स था गाइस यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट हिट किया है। और मैंने भी यहाँ पे पोजीशंस बना के अच्छा खासा मुनाफा बनाया हूँ। तो सिंपल आप वो वीडियो देख सकते हो। कैनरा बैंक जो लो बनाया, कैनरा बैंक फ्यूचर लो बनाया 194 इसने लो बनाया, इतना अच्छा नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला। और PNB गाइस, PNB भी मैंने आज दिया था, और कल के लिए भी मैं लेवल बताऊंगा, PNB को आप शॉर्ट कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। तो सिंपल वॉचलिस्ट में जो तीनों लेवल्स दिए थे, जिन्होंने जिस पॉइंट पे एंट्री ली, सभी का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। गाइस यहाँ पे बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो इस प्राइम टेलीग्राम में। आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके, अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा एंड अपस्टॉक्स में बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है। आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में 5 मिनट के अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग वीडियो और फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करें। अदरवाइज गाइस, मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे फ्री एक टेलीग्राम चैनल मौजूद है, टेक एंड फाइनेंस, यहाँ पे भी आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे भी मैंने दो लेवल्स दिए थे, और फॉर्मा बाय करने के लिए अगर पॉजिटिव रहे मार्केट, एंड सेल करने के लिए PNB दिया था। PNB में जिन्होंने पोजिशन बनाया अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट हिट किया है, ठीक है। तो गाइस चलिए अब हम देखेंगे, अब एनालिसिस करेंगे कल के लिए स्टॉक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का दिखाना चाहूंगा, निफ्टी का चार्ट। गाइस आज निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट नीचे क्लोज दिए हैं, बड़ा सा रेड कैंडल गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे जो 11,200 एक मेजर जो रेजिस्टेंस है, उनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहे गाइस। मार्केट में ऐसे ही मंदी चल रहा है। आज की जो इस रेड कैंडल, बिल्कुल एक बैरिश मरबूजी कैंडल आप कह सकते हो, इस कैंडल के थ्रू मार्केट में और भी नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं गाइस। इसकी ट्रेंड अगर देखें तो बिल्कुल एक नेगेटिव ट्रेंड है। जब तक इस लेवल्स को 11,200 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन ना करे, तब तक ये नेगेटिव ट्रेंड मान के चलूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली जो सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 11,600। यहाँ पे एक टेक्निकली सपोर्ट एंड ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी 11,600 स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में आप देख सकते हो, 9,35,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हैं। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, इनको भी अगर ब्रेक कर दे तो और भी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए जो प्राथमिक जो सपोर्ट रहेगा 700 गाइस, 700 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हैं 11,85,000। तो 700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहते हैं। निफ्टी आज जो क्लोज दिए हैं 10,797, तो 800 के नीचे ही क्लोज दिए गए। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा 10,700, उनको भी अगर ब्रेक कर दे तो 600 तक मूवमेंट देखने को मिल सकते निफ्टी में। तो गाइस ये हो गया सपोर्ट। गाइस यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो प्राथमिक जो रेजिस्टेंस है 10,900 एंड फाइनल जो रेजिस्टेंस वो है 11,000 की। कल अगर निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले 10,880 या 75 के आसपास आपको मिले, तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो गाइस, बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो 30-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे टारगेट 10,725 के लिए, तो आप निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हो। गाइस दैट्स इट, ये रहे मेरा निफ्टी पर जो दो रेंज मैंने आपको बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इस दो रेंज को नजर रखते हुए कल आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आप अपने रेडर में रख सकते हो कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। गाइस यहाँ पे PNB का चार्ट बिल्कुल नेगेटिव है, और आज देखे एक ब्रेक को, एक गैप देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो एक रेंज था उनको यहाँ पे ब्रेक करते हुए जहाँ पे ओपन हुआ वहां से डाउनफॉल देखने को मिला, और बिल्कुल डेज के लोएस्ट स्तर पर आके क्लोज दिए। इनकी डेरिवेटिव डेटा अगर देखे, यहाँ पे प्राइस तो बढ़ रहा है, बट इनकी जो प्राइस है, प्राइस की फॉल हो रहा है, प्राइस घट रहा है। तो सिंपल इनको कह सकते हो शॉर्ट बिल्डिंग हो रहा है।
तो गाइस टेक्निकल चार्ट और डेरिवेटिव डेटा के अनुसार इन स्टॉक्स को आप शॉर्ट करके चल सकते हो। पीएनबी को सेल करना है 6259 के अंदर, अगर मिले तो आप इनको सेल कर सकते हो। एसएल बिल्कुल 1.5 पॉइंट का रखना है, मतलब एसएल 60.6 एंड टारगेट 57.5 एंड फाइनल टारगेट 55.5 के लिए पीएनबी को शॉर्ट करके चल सकते हो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। गाइस नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। गाइस एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी चार्ट देखे तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहाँ से ओपन हुए थे, मतलब ओपनिंग उसका हाई है और देन देखिए अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, बिल्कुल डेज के लोएस्ट स्तर पर आके क्लोज दिए हैं। 401 इसकी लो है, 401 को अगर ब्रेक करे तब इसमें आप सेल कर सकते हो। एसएल मेंटेन करना है 415 एंड टारगेट 405 एंड फाइनल टारगेट 402, ये 400 तक जा सकते हैं। तो फाइनल टारगेट 402 के लिए अपने रेडर में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को रख सकते हो। अगर मार्केट डाउन रहे तो ये दोनों स्टॉक्स को आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो, जो स्टॉप लॉस में बता रहा हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आप बात करते हैं यहाँ पे टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हूँ, अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी आज इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी डेरिवेटिव प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है टेक महिंद्रा में इस नेगेटिव मार्केट में भी। और इसकी ट्रेंड अगर देखिए यहाँ पे देखिए एक रिलेटिव लो, इस रिलेटिव लो को ब्रेक करके बिल्कुल यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई थोड़ा बहुत यहाँ पे बनाने की कोशिश की, देन देखिए फिर इसको इस रिलेटिव लो को ब्रेक करके यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे देख सकते हो एक बाउंस बैक की इसकी जो रेंज है, इस रेंज पे रेजिस्टेंस लेकर फिर यहाँ पे लो बनाया। और अब देखिए इसकी जो रेंज है, ये रेंज की ब्रेकआउट हो रहा है, ये जो एक रेंज है आज थोड़ा गैप अब में ओपन होकर जहाँ से ओपन हुआ वही उसका लो है और उसके बाद अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। टॉप गेनर की लिस्ट में टेक महिंद्रा आज ट्रेडिंग किए हैं, हालांकि मार्केट की हाल देखते हुए ऊपर में क्लोज नहीं दे पाया, थोड़ा नीचे पर आके क्लोज दिए। इन स्टॉक्स को अपने रडर में जरूर रखें। जिस तरह की यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम में गेन देखने को मिला, मुझे लगता है कल यहाँ पे और भी अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा। अगर निफ्टी पॉजिटिव रहे तो अभी इन पे आप बाय करके चलिए, बाय करना है 703। और गाइस स्टॉप लॉस जो मैं दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस ओनली 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस, ठीक है 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस हम मान के चले 698। इससे अलावा अगर आपको लॉन्ग स्टॉप लॉस रखना है 690 मान के चले 689.5, ठीक है ये स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना है तो ये आप मान के चल सकते हो, अदरवाइज 5 पॉइंट की जो स्टॉप लॉस 698 यहाँ पे आप अपना पोजिशन को स्क्वायर अप कर सकते हो अगर हिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो टारगेट मैं दे रहा हूँ, टारगेट यहाँ पे 709.2 एंड सेकेंड टारगेट 718 एंड जो थर्ड जो टारगेट है वो 725 के लिए अपने रेडर में टेक महिंद्रा को रख सकते हो। गाइस यहाँ पे मैंने 3 टारगेट बताया, ओके तो गाइस दैट्स इट, ए रहे 3 स्टॉक्स और उनकी लेवल्स। इन स्टॉक्स को अपने रेडर में जरूर रख सकते हो। डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी सारे स्टॉक्स अपडेट होते हैं ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ट्रेडिंग करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें, आपकी ट्रेडिंग की रिस्क बिल्कुल आपकी है, समझ के किसी को ब्लेम मत कीजिए, खुद एनालिसिस करें, खुद की स्ट्रेटजी के साथ डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए। वीडियो इस पर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप अगर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं 40-48 टाइम्स तक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में, और डिलीवरी के लिए भी 8 टाइम्स तक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं एंजल ब्रोकिंग। और इनकी जो ब्रोकरेज चार्ज है फ्लैट 15 रुपीज और 30 रुपीज करके ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो सिंपल इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री अकाउंट ओपनिंग है। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करके भी आप फ्री में हमारे प्राइम टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।